जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम प्रोफेसर नवीद मजीद है। आज मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। और मज़े की बात यह है कि पिछले साल ये बहुत सारे लाहौर बोर्ड के अलावा भी मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। उसमें सबसे पहले टॉपिक का नाम है जी रियल वेट एंड अपेरेंट वेट। हम आपको बताएंगे कि रियल वेट और अपेरेंट वेट में क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि जब एक लिफ्ट मूव करती है तो रियल वेट और अपेरेंट वेट में क्या रिलेशन होते हैं। तो अब आपको सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें कि वेट का कंसेप्ट एक इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने इंट्रोड्यूस किया था। ये जो गैलीलियो है इसे फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि जिस सन ये फौत हुआ उसी साल न्यूटन पैदा हुआ, और न्यूटन का बहुत सारा वर्क जो है वो गैलीलियो के वर्क से इंस्पायर्ड है। अब ये जो गैलीलियो है ये आइंस्टाइन का फेवरेट साइंटिस्ट माना जाता है। अगर आइंस्टाइन आपके फेवरेट साइंटिस्ट है तो गैलीलियो आइंस्टाइन के फेवरेट साइंटिस्ट हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक लिफ्ट है। अब इसकी सीलिंग या छत के साथ ये एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड है, और स्प्रिंग बैलेंस के हुक के साथ ये बैलेंस अटैच्ड है। अब यहां दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो वेट डब्ल्यू एक्टिंग डाउनवर्ड और दूसरा टेंशन इन द स्प्रिंग एक्टिंग अपवर्ड। अब ये जो वेट डब्ल्यू है इसको आप रियल वेट कहते हैं, और ये जो टेंशन इन द स्प्रिंग है इसको अपेरेंट वेट या जाहिरी वजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए स्प्रिंग बैलेंस पर जो अपेयर होगा, स्प्रिंग बैलेंस पर जो जाहिर होगा वो टेंशन की रीडिंग है, क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड है, स्प्रिंग बैलेंस की तरफ वेट अपेयर नहीं होगा। स्प्रिंग बैलेंस के स्केल के ऊपर जो वेट अपेयर हो रहा है वो बेसिकली टेंशन की रीडिंग है। इसको आप नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर रिएक्शन की फोर्स है। अब आपको इन दोनों में रिलेशनशिप कायम करने के लिए कुछ बेसिक एग्जांपल देते हैं। ये बॉडी है, इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, लेट अस सपोज 10 न्यूटन अपवर्ड 3 न्यूटन डाउनवर्ड। तो जो नेट फोर्स होगी जिसे आप रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं वो ग्रेटर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स माइनस करेंगे, 10 न्यूटन में से 3 न्यूटन माइनस करें तो ये नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है जो इस बॉडी पर एक्ट कर रही है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये बॉडी है, टू फोर्सेस हैं F1 और F2। अब नेट फोर्स कैसे पता लगेगा? अब नेट फोर्स F1 माइनस F2 भी हो सकती है और F2 माइनस F1 भी हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी फोर्स ग्रेटर है। लेकिन अगर हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता हो तो हमें पता होता है कि बॉडी उस तरफ मूव करती है जिस तरफ ग्रेटर फोर्स होती है। लिहाजा अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो F1 फोर्स ग्रेटर है और नेट फोर्स F1 माइनस F2 होगी, और अगर बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो फिर F2 F1 से ग्रेटर है और नेट फोर्स F2 माइनस F1 होगी। अब यही रूल यहां लगेंगे। अब हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सी फोर्स ग्रेटर है, तो नेट फोर्स इस केस में T माइनस W भी हो सकती है और W माइनस T भी हो सकती है। अब हम इन दोनों में रिलेशनशिप कायम करने के लिए, यानी वेट, रियल वेट और अपेरेंट वेट पर रिलेशनशिप कायम करने के लिए कुछ स्पेशल केसेस को स्टडी करते हैं, ताकि हमें अपेरेंट वेट और रियल वेट के दरमियान रिलेशनशिप क्लियरली बना लें। उसमें पहला केस ये है कि अगर लिफ्ट ये रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो फिर इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा। देखिए जब लिफ्ट रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो जो बॉडी रेस्ट पर है तब भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जीरो है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, ये भी जीरो है। तो अगर नेट फोर्स जीरो होगी तो ये जो अबव इक्वेशन है इसमें अगर आप नेट फोर्स जीरो पुट करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू,
और डब्ल्यू माइनस पी। अब चाहे आप माइनस डब्ल्यू को इक्वालिटी साइन के दूसरी तरफ ले जाए या माइनस टी को ले जाए, दोनों केसेस में टी और डब्ल्यू इक्वल है, यानी अपेरेंट वेट रियल वेट के इक्वल होगा जब लिफ्ट रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर मूव करे। अब इसको आम जिंदगी में अप्लाई करते हैं, हम एक स्प्रिंग बैलेंस से जब कोई वेट लोड कर रहे होते हैं तो हम रेस्ट पर हैं, तो जितना उस बॉडी का वेट डाउनवर्ड होगा उतना टेंशन अपवर्ड होगी, लिहाजा जो स्प्रिंग बैलेंस पर अपेयर होगा नॉर्मल हालात में जब हम रेस्ट पर मेजरमेंट कर रहे हैं तो अपेरेंट वेट रियल वेट के बराबर होता है, इसलिए जो स्प्रिंग बैलेंस पर अपेयर हो रहा होता है हम कहते हैं वही असल वेट है। अब कुछ और स्पेशल केसेस देखते हैं, क्या अगर लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट करे, अगर लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट करेगी तो ऑब्वियसली बॉडी उधर एक्सेलरेट करती है वो जो फोर्स दूसरे से ग्रेटर हो, इसका मतलब है इस केस में टेंशन वेट से ग्रेटर होगी और नेट फोर्स अब टी माइनस डब्ल्यू होगी। अब डब्ल्यू माइनस टी नहीं कर सकते क्योंकि अब आप सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि टेंशन वेट से ग्रेटर है, तो नेट फोर्स विल बी नाउ टी माइनस डब्ल्यू। अब नेट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से एम ए है और से क्वेश्चन एम ए इज इक्वल टी माइनस डब्ल्यू हो जाएगी। अब अगर आप माइनस डब्ल्यू ले जाएंगे तो टेंशन या अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट प्लस एम ए, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अपेरेंट वेट जो है वो रियल वेट से ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है एम ए। फॉर एग्जाम्पल अगर टेंशन 10 है वेट 8 है एम ए 2 है तो आप कहेंगे अपेरेंट वेट रियल वेट से एम ए ग्रेटर है। अगर आप चाहें तो W की जगह mg भी लिख सकते हैं, W की जगह mg लिखेंगे और m कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूला m into g plus a आ जाएगा। अब यही सिचुएशन रॉकेट्स में भी होती है, जब रॉकेट अपवर्ड एक्सेलरेट करता है तो उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनका अपेरेंट वेट रियल वेट से ग्रेटर होता है। अब केस 3 कि अगर ये लिफ्ट जो है ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करे, अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी तो ऑब्वियसली बॉडी ग्रेटर फोर्स के एक्सेलरेट करेगी, इसका मतलब है कि उस वक्त ये टेंशन कम हो गई है वेट से तभी नीचे आ रहा है। अब जो नेट फोर्स है वो अब डब्ल्यू माइनस टी होगी, अब टी माइनस डब्ल्यू नहीं हो सकती क्योंकि सर्टेनिटी से आपको पता लग गया कि टी अब कम हो गई है तभी बॉडी नीचे एक्सेलरेट कर रही है ग्रेटर फोर्स की तरफ। अब ये क्वेश्चन W minus T equal to net force होगी, net force की जगह हमें अरेंज करें तो पता लगा कि यहां अपेरेंट वेट रियल वेट से कम है, कितना कम है एम ए। अब यही सिचुएशन होती है जब स्पेसशिप डिसेंड करता है उस वक्त, यानी नीचे आता है डाउनवर्ड एक्सेलरेट करता है इनसाइड द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब केस 4, केस 4 के लिए मैं बताऊं कि ये जो आप लिफ्ट है इसको सपोर्ट करती है या केबल्स, और वो केबल्स जो है वो ऊपर जाकर एक मोटर के साथ अटैच होती है, जब वो मोटर एक साइड पे घूमती है तो ये जो केबल्स होती है ऊपर एक पुली के ऊपर वाइंड होती चली जाती है, और अगर ये मोटर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो वो पुली से जो वाइंडेड केबल है वो अनफोल्ड होती है और ये लिफ्ट जो है ये नीचे आती है। अगर वो केबल्स टूट जाए खुदा ना खास्ता तो लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल करेगी, यानी एक्सेलरेट डाउन ही करेगी, केस 3 की एक्सटेंशन, यानी वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट ही करेगी, लेकिन इस मरतबा उसकी एक्सेलरेशन जीरो, यानी इट इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जिसे फ्री फॉल भी कहते हैं। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो केस 3 में ए की जगह जब आप जी लिखेंगे तो W माइनस एम जी, और W इज ऑल्सो एम जी, एम जी माइनस एम जी जीरो, तो अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा। एक बात याद रखिए कि अपेरेंट वेट जीरो हुआ है, रियल वेट जीरो नहीं हुआ। अगर रियल वेट जीरो हुआ होता तो फिर लिफ्ट नीचे क्यों आ रही है, सिर्फ अपेरेंट वेट जो कि नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन फोर्स है जो बैलेंस कर रहा है उस बॉडी को वो खत्म हो गई है। अगर रियल वेट जीरो हुआ होता तो लिफ्ट नीचे ही ना आती। आप ये भी कह सकते हैं कि इस फ्रेम में, इस जगह पर, इस केस में कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो वेट को सपोर्ट करे और उसको गिरने से रोके, फ्री फॉल करने से रोके। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम आपको दे सकते हैं।
आपने नंबर लिफ्ट पर सफर किया होगा, आप देखिएगा कि जब लिफ्ट स्टार्ट लेती है या जब लिफ्ट रुकती है उस वक्त आपको अजीबोगरीब फीलिंग होती है, क्योंकि उस वक्त लिफ्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, उसमें एक्सेलरेशन होती है। क्योंकि जब बॉडी लिफ्ट स्टार्ट लेती है तो वेलोसिटी जीरो से मैक्सिमम होती है, जब लिफ्ट रुकती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम से जीरो होती है, तो एक्सेलरेशन होती है, अपेरेंट रियल वेट प्रॉपर नहीं होते, बैलेंसिंग कंडीशन खराब होती है और आपको महसूस होता है। और बाकी वक्त अच्छी लिफ्ट में लिफ्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है और उस वक्त अपेरेंट और रियल वेट बराबर होते हैं और आपकी बैलेंसिंग कंडीशन भी बिल्कुल ठीक होती है। जी अब मेरे आपसे दो सवाल है। नंबर एक कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो आप मुझे बताइए केस 2, 3, 4 में टेंशन और वेट आपस में इक्वल क्यों नहीं है। अब दूसरा सवाल, केस 4 में मैंने कहा कि अपेरेंट वेट जीरो हुआ है, रियल वेट जीरो नहीं हुआ, तो फिर आप इसको वेटलेसनेस क्यों कह रहे हैं, केस 4 में बेवजनी की हालत क्यों कह रहे हैं। इन दो सवालों का जवाब ढूंढिए ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो। थैंक यू।